हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे टेंस, हम लोगों ने पूरा प्रेजेंट टेंस समाप्त कर लिया है। पास्ट टेंस हम लोग पढ़ रहे थे और पास्ट टेंस में हम लोगों ने पास्ट इंडिफिनिट यानी सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया था, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, यहां पर हम लोग हेडिंग बना लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस की को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है, दो प्रकार से पढ़ेंगे। फर्स्ट तो बस सिंपल पास्ट परफेक्ट, ठीक है, जो पास्ट परफेक्ट सिंपल होता है बस हम उसी को पढ़ेंगे। और जो सेकंड है, जैसे कि बीच में पहले या बाद आ जाता है, पूर्व या बाद आ जाता है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं जो सिंगल वर्ड या सिंगल वाक्य वाला सेंटेंस होता है उसको, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट को हम पहचानेंगे कैसे, पहचाना सबसे जरूरी है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं पहचान, ठीक। तो अगर यदि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान की बात करेगा तो हम लोग जानते हैं कि जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, ठीक है, जिस वाक्य के अंत में क्या है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या है, ई है, ये है, या है, सॉरी, या था, ये थी, ये थे, ठीक है, इत्यादि शब्द आते हैं तो हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का हम लोगों ने पहचान यहाँ पर देख लिया कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, यानी लिया था, दिया था, ठीक है, लिए थे, दिए थे, इत्यादि वर्ड आते हैं तो हमें पता चलता है कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्लियर हो गया। अब देखिए, हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं। तो हम इसका जो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव, बस नेगेटिव लिख देते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। देखिए, अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा वो बन जाएगा क्या, कि सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा क्या है, सिंगल वाला है, यानी सिंगल वाक्य रहेगा तो ये हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेगेटिव यही सेम टू सेम बन जाएगा क्या, कि सब्जेक्ट प्लस हैड, लेकिन इसमें हम एक नॉट जोड़ देंगे क्योंकि हमारा यह नेगेटिव सेंटेंस है और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अब इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, यही फॉर्मेट चलेगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन दोनों को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। यदि इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेगा तो बार बार बता रहे हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद बस नॉट लगा देंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद बस क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, और हमारा जो स्ट्रक्चर है वह आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक दो एग्जाम्पल लेकर इसे समझ लेते हैं, ठीक। जैसे कि वह अपना कार्य कर चुका था, वह अपना कार्य कर चुका था, तो वह किस स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ही, ठीक है, वह किस स्पेलिंग क्या हो गई, ही हो गई। अब ही का के साथ सब्जेक्ट हमारा फिर हैड है, हेल्पिंग वर्ब तो हैड लगा देंगे, ही हैड, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो करना का डू डिड डन, थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, ठीक है। तो ही हैड डन, वह के लिए अपना किस स्पेलिंग हो जाएगा, हीज,
और कार्य का क्या हो जाएगा, वर्क। ही हैड डन हिज वर्क। ठीक है, इसी में एक और एग्जांपल हम लेकर आपको समझा देते हैं क्या, कि राधा खाना पका चुकी थी। राधा खाना पका चुकी थी, ठीक। तो राधा अब सिंगुलर है या प्लूरल, दोनों के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, हैड यूज करना है। तो राधा हैड खाना पकाना क्या जाएगा, कुकड फूड। कुक होता है तो उसमें हम थर्ड फॉर्म जोड़ देंगे, ईडी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कुकड। तो राधा हैड कुकड फूड। क्लियर हो रहा है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल एक और करके हम दिखा देते हैं आपको, कि तुम उसे देख चुके थे। तो तुम का क्या जगह, यू। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हमारा, हैड। सब्जेक्ट हैड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखना क्या था, सी सा और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन। तो यू हैड सीन टू उसे का क्या होगा, हिम। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं क्या, कि वह एक गीत गा चुकी थी। ठीक, तो वह की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, सी। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैड। अब सिंग सैंग संग थर्ड फॉर्म क्या होगा, संग हो जाएगा। तो सी हैड संग अ सॉन्ग, सी हैड संग अ सॉन्ग। समझ में आ गया। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखिए नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। इसको हम यहां से इरेज कर देते हैं, इरेज कर दिया। ठीक है, अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं क्या, कि अध्यापक कक्षा में बच्चों को पढ़ा चुके थे। ठीक है, अध्यापक कक्षा में बच्चों को नहीं पढ़ा चुके थे। ठीक है, अध्यापक कक्षा में बच्चों को नहीं पढ़ा चुके थे। तो अध्यापक है, तो अध्यापक क्या जगह, द टीचर। देखिए ये वाला फॉर्मूला हमको देखना है, सब्जेक्ट है। ठीक, अब सब्जेक्ट बन क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। द टीचर हैड, इसके बाद क्या है, नॉट। द टीचर हैड नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन के पढ़ाना, तो पढ़ाना का क्या होता है, टीच, टॉट। ठीक है, सेकेंड और थर्ड हमारा क्या होता है, टॉट होता है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट किसको, टू द चिल्ड्रेन, बच्चों को। ठीक है, कक्षा में, तो इन द क्लास क्या जगह, द टीचर हैड नॉट टॉट टू द चिल्ड्रेन इन द क्लास। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। एग्जाम्पल एक और मैं करके आपको दिखा देता हूं, कि राम और श्याम नदी में स्नान नहीं कर चुके थे। राम और श्याम नदी में स्नान नहीं कर चुके थे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, राम और का क्या होगा, एंड, श्याम का श्याम, राम एंड श्याम। अब हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड। इनके साथ क्या लग जाएगा, नॉट। स्नान करना क्या होता है, बाथ। तो हम थर्ड फॉर्म लगाना है हमको, तो हम क्या कर देंगे, बाथड। कि राम एंड श्याम हैड नॉट बाथड, कहाँ पर, नदी में, यानी इन द रिवर। ठीक है, इन द रिवर। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक लिख देते हैं, कि क्या वह मेरी पुस्तक, चुरा लिया था। ठीक है,
अब देखिए क्या क्या से प्रारंभ है और यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क है, तो क्या वह मेरी पुस्तक चुरा लिया था। ठीक, तो क्या है, तो क्या की स्पेलिंग जो मैं बताया हूँ इंट्रोगेटिव फर्स्ट का, कि जब कोई वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो क्या की स्पेलिंग न लिखकर हम उसके उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या से प्रारंभ है, तो क्या की स्पेलिंग हम नहीं लिखेंगे और उसके स्थान पर उससे टेंस के हेल्पिंग वर्ब को लिख देंगे। और हमें पता है कि इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हैड। ठीक, अब हैड हो गया इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख लेते हैं ही, हैड ही। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चुराना, क्या होता है, स्टील, स्टोल, स्टोलेन। ठीक है, हैड ही स्टोलेन मेरी पुस्तक, माई बुक, और लास्ट में क्या पुट करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या हो गया, हैड ही स्टोलेन माई बुक, समझ में आ रहा है आपको। सेकेंड ले लेते हैं क्या, कि क्या राधा और सीता, क्या राधा और सीता साथ साथ स्कूल नहीं जा चुकी थी, साथ साथ स्कूल नहीं जा चुकी थी, क्या राधा और सीता साथ साथ स्कूल नहीं जा चुकी थी। अब देखिए क्या से प्रारंभ है, तो हम सबसे पहले उसके हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हैड है। ठीक है, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, राधा और सीता, तो राधा एंड सीता, हैड राधा एंड सीता। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जाना क्या हो जाएगा, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन, कहाँ जा रहे हैं सब, स्कूल, तो गॉन टू स्कूल। अब साथ साथ जा रहे हैं तो टुगेदर, साथ साथ का क्या हो जाएगा, टुगेदर हो जाएगा, और लास्ट में क्या पुट कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इंट्रोगेटिव का ही सेकेंड का दो एग्जाम्पल करके आपको दिखा देते हैं। जैसे कि मैं बताया था आपको कि जब कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है, यानी कब, क्यों, कहाँ, कैसे, यदि वाक्य के बीच में आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी, यानी ट्रांसलेशन करते समय उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, तुम इस स्कूल में, तुम इस स्कूल में क्यों पढ़ चुके थे, तुम इस स्कूल में क्यों पढ़ चुके थे। ठीक है, अब देखिए बीच में क्यों आ गया है, तो क्यों की स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखेंगे, तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई, यानी क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई होती है। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की बात करेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, डब्ल्यू इसके बाद क्या लिखना है हमको, हैड, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक, वाई हैड यू मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीड रेड रीड, स्पेलिंग सेम होती है, रीड रेड रीड, लेकिन स्पेलिंग हमारी क्या होती है, सेम होती है। तो वाई हैड यू रीड इन दिस, इसका क्या होगा, इस दिख रहा है आपको, इसका क्या हो जाएगा, दिस, इन दिस स्कूल, और यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है, एक एग्जाम्पल और लेकर देख लेते हैं क्या, कि हम अपना कार्य क्यों पूरा कर चुके थे, हम अपना कार्य क्यों पूरा कर चुके थे, या हम अपना कार्य कब पूरा कर चुके थे। ठीक है, कब रहता तो वेन हो जाता, और क्यों है तो हम क्या करेंगे, वाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, आपको दिख रहा है कि वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज कर देंगे, हैड, हम का क्या हो जाएगा, वी, वाई हैड वी पूरा करने का था, फिनिश्ड या कंप्लीटेड। ठीक है, वाई हैड वी कंप्लीटेड अवर वर्क, अवर वर्क, और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए अवर हमारा हमेशा प्लूरल में आता है, इसलिए इसके साथ आने वाला जो वर्ब है वह भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। तो वाई हैड वी कंप्लीटेड अवर वर्क्स, समझ गए, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए कि हम क्या करते हैं, कि फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, यानी फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, यानी कि एक वाक्य वाला सेंटेंस हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे डबल सेंटेंस वाला ट्रांसलेशन करना। ठीक है, यानी डबल वाक्य का यदि सेंटेंस कोई दिया रहेगा तो हम उसे किस प्रकार से ट्रांसलेशन करते हैं, समझ गए, तो आइए हम इसे देख लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है,
ठीक है। अब देखिए हम क्या बात कर रहे थे, हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे थे, हमने फर्स्ट पार्ट उसका पढ़ लिया था, अब हम लोग पढ़ेंगे उसका सेकेंड पार्ट। ठीक, तो सेकेंड पार्ट क्या है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का? सेकेंड पार्ट क्या होता है कि भूतकाल में दो कार्य पूर्ण हो चुके होते हैं, ठीक है, भूतकाल में दो कार्य पूर्ण हो चुके होते हैं, लेकिन जो कार्य सबसे पहले पूर्ण होता है, यानी भूतकाल में ही जो कार्य सबसे पहले पूर्ण होता है, उसे हम पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक, और जो कार्य उसके बाद समाप्त होता है या पूर्ण होता है, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। ठीक है, अब कैसे, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको लिखकर समझा देता हूं। ठीक है, कि भूतकाल में, भूतकाल में दो कार्य पूर्ण होते हैं, भूतकाल में दो कार्य पूर्ण होते हैं। ठीक है, यानी भूतकाल है, ठीक, यानी जो बीता हुआ समय है उसमें दो कार्य पूर्ण हो चुके हैं। तो वही कह रहा है कि भूतकाल में दो कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जो कार्य सबसे पहले पूर्ण होता है, पूर्ण होता है या समाप्त होता है, ठीक है, जो कार्य सबसे पहले पूर्ण होता है, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, तथा दूसरे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में बदल देते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि भूतकाल में दो कार्य पूर्ण हो चुके होंगे, ठीक है, जो कार्य सबसे पहले, यानी भूतकाल में ही, पास्ट में ही जो कार्य सबसे पहले समाप्त हुआ होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो और हमें क्या और क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, जैसे आपने ये सेंटेंस बहुत सुना होगा, क्या, पहले अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं एग्जांपल की, कि डॉक्टर के आने से पहले, जो पेशेंट है, रोगी है, वह मर चुका था। ठीक है, एक हमारे पास सेंटेंस है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये जो डॉक्टर है ये वहाँ पर पहुँचा नहीं था तब तक रोगी क्या हुआ, मर चुका था। यानी जो पास्ट की बात कर रहा है, दोनों पास्ट की बात है, तो कह रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले, यानी डॉक्टर वहाँ पहुँचा नहीं था और जो रोगी है वह मर गया, यानी सबसे पहला कार्य क्या हुआ, रोगी के मरने का। तो यानी रोगी के मरने का कार्य सबसे पहले हुआ, तो मैंने क्या लिखा है कि जो कार्य सबसे पहले पूर्ण होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में, यानी इस वाले सेंटेंस को हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, और जो दूसरा जो सेंटेंस है उसे हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट में। ठीक है, तो हम इसे ट्रांसलेट करते हैं, देखिए ट्रांसलेट करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा हमारा, सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, सेकेंड वाले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैड, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस, अब देखिए पहले है तो बिफोर, यदि इसमें बाद है तो क्या लग जाएगा, आफ्टर, बिफोर या आफ्टर। ठीक, अब प्लस सेकेंड सेंटेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट, देखिए आधा लिखा हूँ आप लोग पूरा समझिए, लिख देता हूँ पास्ट इंडेफिनिट, आप इसे ऐसे कर लेंगे कि आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो सके। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, फिर प्लस आफ्टर या बिफोर, ठीक है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस किसमें बनेगा हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ना, समझ में आ रहा तो ओके लिख दें सब लोग। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर कहने से पहले रोगी मर चुका था, हमारा ये सेंटेंस हमारे सामने है और हमको इसका स्ट्रक्चर भी बन गया है, तो अब इसे बनाने में क्या कोई प्रॉब्लम होगी किसी को,
किससे कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, बहुत अच्छे। अब देखिए, जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं कि देखिए जो दूसरा वाला सेंटेंस उसे सबसे पहले करेंगे, ठीक है। मैंने क्या, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो कार्य सबसे पहले पूर्ण होता है, जो कार्य भूतकाल में ही सबसे पहले पूर्ण होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो कार्य उसके बाद समाप्त होता है उसे हम पास्ट इंडिफिनिट में ही सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या रोगी है तो हम लोग लिख लेंगे द पेशेंट, द पेशेंट सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, द पेशेंट क्या हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद क्या हैड, द पेशेंट हैड, ठीक। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मरना क्या होता है, डाई, इसमें हम डी जोड़ देंगे तो डाइड हो जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड। अब पहले है तो पहले का क्या होता है, बिफोर होता है कि आफ्टर होता है, पहले क्या होता है, बिफोर होता है कि आफ्टर, तो पहले का होता है बिफोर, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, ठीक। अब इसके बाद क्या कर रहा है कि सेकेंड सेंटेंस को हम किस में बनाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट में। यहाँ पर भी मैंने लिखा है कि जो सेकेंड सेंटेंस है यानी जो बाद में पूरा हुआ है उसे हम क्या बनाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, द डॉक्टर लिखेंगे यानी सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। उसके बाद वर्ब का पास्ट इंडिफिनिट, याद करिए मैंने बताया था आपको, पढ़ाया था कि पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, कौन सा फॉर्म यूज होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आना का क्या होता है, केम, सी ए एम ई, केम, ठीक है। यदि आप ऐसे नहीं समझना चाहते, ठीक है, यदि आप ऐसे नहीं समझना चाहते जो मैं ऊपर लिखा हूँ कि भूतकाल में जो कार्य सबसे पहले समाप्त हो जाता है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, उसके बाद जो समाप्त होता है उसे पास्ट इंडिफिनिट में बनाते हैं, ठीक है। यदि आप ऐसे नहीं समझना चाहते तो ऐसे समझिए कि यदि सेंटेंस में पहले वर्ड आ गया, यदि सेंटेंस में पहले वर्ड आ गया तो हम लोग सेकेंड वाले सेंटेंस को सबसे पहले पास्ट परफेक्ट में करेंगे, यानी सेकेंड वाले सेंटेंस को सबसे पहले पास्ट परफेक्ट में करेंगे और फर्स्ट वाले सेंटेंस को बिफोर के बाद पास्ट इंडिफिनिट में करेंगे, ठीक है। आप ऐसे नोट करके लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक। तो अब ये हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक है। मैं एक और सेंटेंस लिख कर आपको समझा देता हूँ, ठीक है, क्या कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले या पूर्व भी कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। आपको दिख रहा है सेंटेंस कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले जो ट्रेन है वह जा चुकी थी, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस सबसे पहले हुआ है। देखिए, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले मतलब कि मैं स्टेशन पहुँचा नहीं हूँ और जो ट्रेन है वह जा चुकी है। अगर मैं स्टेशन पहुँच जाता, अगर सेंटेंस रहता कि मेरे स्टेशन पहुँचने के बाद, ठीक है, तब यहाँ पर मामला हो सकता था गंभीर। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले यानी कि मैं स्टेशन पर अभी पहुँचा नहीं हूँ और ये ट्रेन जो है वह जा चुकी थी। तो ये हमारा सबसे पहले कार्य हो जा रहा है, ट्रेन मतलब चली गई है, जा चुकी है। तो इस टेंस को, सॉरी, इस सेंटेंस को हम किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और इस वाले को हम बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब हम इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है तो हम लोग लिखते हैं द ट्रेन, द ट्रेन, ट्रेन मतलब रेलगाड़ी, ठीक है। द ट्रेन हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड, द ट्रेन हैड अब जा चुकी थी, ठीक है। तो जाना क्या होता है, गो, लेकिन हमें यहाँ पर हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म लिखना है। तो द ट्रेन हैड गॉन, द ट्रेन हैड गॉन, ठीक है, यानी कि रेलगाड़ी जा चुकी थी। अब देखिए, पहले वर्ड आ गया तो हम क्या लगा देंगे, बिफोर, और फर्स्ट वाले सेंटेंस को किस में चेंज करना है, हमें पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करना है। तो पास्ट इंडिफिनिट के लिए मेरे क्या हो जाएगा, आई, ठीक, और पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, सेकेंड फॉर्म, तो पहुंचना क्या होता है, रिच, और यहाँ पर रिच का हम सेकेंड फॉर्म लिख देंगे, रिचड, कहाँ, स्टेशन, एट स्टेशन, फुल स्टॉप, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन, समझ गए, यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अगर नहीं आई तो हम एक एग्जाम्पल और आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है, कि उसके कॉलेज पहुँचने के बाद, उसके कॉलेज पहुँचने के बाद
अभी पहले करके बताते हैं, ठीक है। पहुंचने से पहले छात्र जा चुके थे, छात्र जा चुके थे, ठीक है। उसके कॉलेज पहुंचने के पहले, पहुंचने से पहले जो छात्र थे वह जा चुके थे। तो देखिए, जब सेंटेंस को हम ट्रांसलेशन करेंगे कि उसके कॉलेज पहुंचने से, मतलब वह कॉलेज अभी पहुंचा नहीं, जो छात्र हैं वह क्या करे थे, चले गए थे, ठीक। तो यानी कि पहला कार्य यह हो गया, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में बना देंगे कि द स्टूडेंट, ठीक है, छात्र का, द स्टूडेंट प्लूरल है, चुके थे, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। अब हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हैड, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है। तो द स्टूडेंट हैड्स, सॉरी हैड, फिर वर्ब जाना क्या हो जाएगा, गो, और गो का थर्ड फॉर्म गॉन। पहले का क्या हो जाएगा भाई, पहले का हो जाएगा बिफोर, और उसके का, उसके को हो जाएगा ही। अब यहाँ पर क्या है, पहुँचना, यहाँ पर पास्ट इन्फिनिटिव बनाना है, तो पास्ट इन्फिनिटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो ही रीच्ड टू कॉलेज। क्या हो गया कि द स्टूडेंट हैड गॉन बिफोर ही रीच्ड टू कॉलेज, या ही रीच्ड द कॉलेज, यानी कि कॉलेज पहुँचने से पहले ही छात्र वहाँ से जा चुके थे, या छात्र जा चुके थे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये था हमारा पहले का, ठीक है। मैं अब आपको बताता हूँ कि यदि बाद वर्ड आ जाएगा तो हम उसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो इतना मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा बाद में, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, यदि बाद वाला सेंटेंस आ जाता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यदि बाद का सेंटेंस आ गया तो क्या जाएगा कि मेरे आने के बाद तुम सो चुके थे, मेरे आने के बाद तुम सो चुके थे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसमें पहला कार्य क्या हुआ, तुम सो चुके थे कि मेरा आना, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस कि मेरे आने के बाद तुम सो चुके थे, यानी पहला कार्य क्या है, मेरा आना, ठीक है। अब मेरा आना पहला कार्य है, यानी कि ये हमारा किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में, ये हमारा किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। अब तुम सो चुके थे, ये हमारा किस में बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में, और ये किस में, पास्ट परफेक्ट में। हम जैसे बनाते हैं तो वैसे भी बनाएंगे, मतलब दूसरे को पहले बना देते हैं, ठीक है। इसे तुम सो चुके थे तो तुम का क्या हो जाएगा, यू, ठीक। अब सोना क्या होता है, स्लेप्ट, सोना का स्लीप होता है, लेकिन हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, तो यू स्लेप्ट। अब बाद है तो बाद का क्या हो जाएगा, आफ्टर, यू स्लेप्ट आफ्टर। अब मेरा क्या हो जाएगा, आई, ठीक। अब आई हैड, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड है, और वर्ब क्या है, आना का कम, तो कम केम, कम, थर्ड फॉर्म क्या होगा इसका, कम, फुल स्टॉप। यू स्लेप्ट आफ्टर आई हैड कम। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई तो हम एक एग्जांपल और आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। राम के, यही ले लेते हैं, ठीक है। राम के सो जाने के बाद उसके पिताजी दफ्तर चले गए थे, ठीक है। देखिए, मैं बताया था पहचान में कि चुका था, चुकी थी, या था, ये थी, ये थे। तो राम के सो जाने के बाद उसके पिताजी दफ्तर चले गए थे। तो पहला कार्य देखिए क्या हुआ है, पहला कार्य उसके पिताजी चले गए, कि पहला कार्य ये है कि राम सो गया। तो आप सोच सकते हैं कि पहला कार्य है राम सो गया। देखिए, सेंटेंस सीधे सीधे कह रहा है कि राम के सो जाने के बाद उसके पिताजी दफ्तर चले गए, ठीक। तो ऐसे सिचुएशन में हम सेंटेंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा जो है वो सबसे पहले हुआ है, यानी ये हमारा बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, और ये हमारा किस में बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो हम इसे पास्ट इंडेफिनिट बना देते हैं कि उसके पिताजी यानी हिज फादर, उसके पिताजी यानी हिज फादर। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की होती नहीं है अफर्मेटिव के लिए, हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, चले गए थे,
ठीक है, यानी वेंट, चले जाना, जाना क्या था, वेंट। हिज फादर वेंट टू ऑफिस, हिज फादर वेंट टू ऑफिस, बाद का क्या होता है आफ्टर, यानी हिज फादर वेंट टू ऑफिस आफ्टर। अब देखिए राम, राम सब्जेक्ट है, पास्ट परफेक्ट बनाना है तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड। राम हैड सोना क्या होता है, स्लीप, तो स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्लेप्ट। देखिए स्लीप का सेकंड और थर्ड होता है स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, ठीक है। तो हिज फादर वेंट टू ऑफिस आफ्टर राम हैड स्लेप्ट, क्लियर हो गया, सबको बात क्लियर होगी, समझ गया है। अब देखिए अगर आपको ऐसे भी नहीं समझना, ऐसे समझिए कि यदि बाद वर्ड आ जाए, यदि बाद वर्ड आ जाए तो पहले वाले को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और दूसरे वाले सेंटेंस को पास्ट इंडिफिनिट में बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि पास्ट इंडिफिनिट बना दिया और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट में इसे चेंज कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। आइए हम अब निगेटिव सेंटेंस के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, तो मिटा दें। आई होप आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, ट्रांसलेशन करना बहुत सिंपल है, बस आपको तीन बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तीन बातें कौन कौन सी हैं मैं बता देता हूँ, आप लोग उसे याद कर लीजिए कि वह तीन बातें कौन कौन सी हैं, ठीक है। तीन बातें ये हैं कि सबसे पहले हमें अगर कोई ट्रांसलेशन करना है, कोई सेंटेंस हमारे सामने है, तो हमें सबसे पहले उसका सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। फिर उसका हेल्पिंग वर्ब, उसका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लिखना है, उसके बाद उस टेंस का ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। बस यही तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, समझ गए, समझ बात आ रही है। तो हम देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस जब करेंगे तो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, और बाकी जो क्रियाएँ हैं सब उसी तरह रहेंगी, ठीक है, समझ आ रहा है सबको। तो हम देखिए इसे बना लेते हैं, तो एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम बना लेते हैं। ये क्या था हमारा नेगेटिव सेंटेंसेज, नेगेटिव सेंटेंसेज, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस में सेंटेंसेज हम बता देते हैं कि मेरे ऑफिस पहुंचने से पूर्व, मेरे ऑफिस पहुंचने से पूर्व, ठीक है, चपरासी घर नहीं जा चुका था, ठीक है। मेरे ऑफिस पहुंचने से पूर्व चपरासी घर नहीं जा चुका था। आप सेंटेंस यहां पर देख सकते हैं कि मेरे ऑफिस पहुंचने से पूर्व चपरासी घर नहीं जा चुका था, ठीक। तो अब यहां पर हमें देखना है कि कौन सा कार्य भूतकाल में सबसे पहले हुआ है। तो मेरे ऑफिस पहुंचने से पूर्व, मतलब मैं ऑफिस अभी पहुंचा नहीं हूं, लेकिन जो चपरासी है, मेरे ऑफिस पहुंचने से चपरासी घर नहीं जा चुका था, ठीक है। यानी कि मैं अभी ऑफिस पहुंचा नहीं हूं और वह चपरासी अपने घर भी नहीं गया, ठीक है। तो लेकिन अब मैं पहुंचा भी नहीं हूं और वो गया भी नहीं है, ठीक है। तो संभावना जो है कि वह उसके जाने का है, ठीक है। तो ये पूर्व वाला वर्ड आ गया, तो हम इसे सबसे पहले कर लेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में कर लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो ये चपरासी क्या होता है, प्यून, तो क्या हो जाएगा, द प्यून, ठीक। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड, द प्यून हैड। अब नॉट है तो नॉट लगा लेते हैं कि द प्यून हैड नॉट, जाना क्या होता है, गो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म गो का गॉन, ठीक। कहाँ गया था, टू होम, गॉन टू होम, यानी कि द प्यून हैड नॉट गॉन टू होम, तो यहाँ पर बस केवल गॉन होम कर लेंगे, ठीक। अब देखिए पूर्व है, तो पूर्व का क्या होता है, बिफोर, पूर्व मतलब पहले, ठीक है, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले। तो द प्यून हैड नॉट gone home before, ठीक है। आई पहुंचना क्या होता है, reached, आई reached the office, आई reached the office, यानी मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले जो प्यून है वह वहां पर, यानी अपने घर नहीं जा चुका था, ठीक। एक दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग, क्या कि हाँ, क्या क्या नहीं, हम लोग अभी नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना, नेगेटिव सेंटेंस क्या कि पुलिस के आने से पहले
पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुके थे। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुके थे, ठीक है। तो अब देखिए, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुके थे, दूसरा सेंटेंस को हम सबसे पहले करेंगे, पहले वर्ड है, दूसरा सेंटेंस को सबसे पहले हम किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट में चोर का क्या होता है, थिप, द थिप। अब पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैड, और निगेटिव है तो क्या कर लेंगे, नॉट। द थिप हैड नॉट रन, रैन, रन, रन, रैन, रन, ठीक है, रन, रैन, रन। और स्पेलिंग क्या होगी, आर यू एन। तो द थिप हैड नॉट रन अवे, द थिप हैड नॉट रन अवे। अब पहले क्या हो जाएगा, बिफोर पुलिस, द पुलिस। अब देखिए क्या है, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर अफर्मेटिव है तो पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, द पुलिस केम। और ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए पहले हो गया, अब हम इसमें बाद का सेंटेंस लिख कर इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कि उसके घर पहुंचने के बाद, उसके घर पहुंचने के बाद मैंने टीवी नहीं देखी थी, मैं टीवी नहीं देख चुका था, ठीक है, मैं टीवी नहीं देख चुका था, या मैंने टीवी नहीं देखी थी, ये बात क्या है, सेम है, एक ही है, ठीक। अब हम देखते हैं कि इस इन दोनों सेंटेंस में कौन सबसे पहले समाप्त हुआ है। तो देखिए, उसके घर पहुंचने के बाद, यानी जब वो घर पहुंच गया तब मैंने टीवी नहीं देखी थी, यानी पहला कार्य क्या है, ये उसके बाद मैंने टीवी देखी, ठीक है। तो पहला ये हुआ, इसे हम किसमें बना देंगे, पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, और इसको किसमें बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, ठीक है। तो हम दूसरे वाले को पहले बना रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में इसको बना लेते हैं, क्या कि मैंने है, तो मैंने क्या जाएगा, आई, अरे मैंने तो क्या जाएगा, आई। अब देखिए नेगेटिव में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में जब होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डिड नॉट। तो आई डिड नॉट, आई डिड नॉट। अब यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, देखना क्या है, सी। तो आई डिड नॉट सी द टीवी या टेलीविजन, ठीक है। अब बाद है तो क्या लग जाएगा, आफ्टर। उसके घर पहुंचने, उसका क्या होगा, ही हैड रीच्ड होम। पहुंचना क्या होता है, रीच्ड, और घर का क्या हो जाएगा, होम। कि आई डिड नॉट सी द टीवी आफ्टर ही हैड रीच्ड होम। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो, उसके घर पहुंचने के बाद में पहला कार्य ये हुआ है, दूसरा कार्य ये हुआ है। तो मैं बताया कि जो कार्य सबसे पहले पूर्ण होता है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, जो कार्य बाद में पूर्ण होता है तो उसे हम पास्ट इंडिफिनिट बनाते हैं, ठीक है। तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में बना दिया, और इस वाले को पास्ट इंडिफिनिट बना दिया। तो पास्ट इंडिफिनिट बना दिया तो आई डिड नॉट सी द टीवी, और इसको पास्ट परफेक्ट बना दिया तो आफ्टर ही हैड रीच्ड होम, ठीक है। अब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं, कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, सेकंड, जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक वाक्य आ जाता, सॉरी प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, और थर्ड बताया था कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा या क्या से प्रारंभ होगा, लेकिन बीच में नहीं शब्द दिया रहेगा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो यहां पर हेडिंग मान लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये स्पेलिंग आप लोग को आती होगी, इसलिए मैं इसे ऐसे ही लिख दे रहा हूं, जल्दी जल्दी आप उसे समझ जाएंगे, ठीक है। आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एस ई एन टी ई एन सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। आपको पता है कि जब क्या से प्रारंभ रहता है तो क्या की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। तो उसके हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले हम लिख देंगे, जब परफेक्ट होगा तो हेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लिखेंगे ही, ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस आफ्टर लिखेंगे, और आफ्टर के बाद क्या लिख देंगे, बिफोर, आफ्टर लिखेंगे, बिफोर लिखेंगे। उसके बाद हमारा ये जो सेंटेंस है वह किसमें बन जाएगा,
पास्ट इंडेफिनिट में बन जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर ये सिचुएशन बदल भी सकता है, यहाँ पर डिड भी हो सकता है। ठीक है, जब बाद हो जाएगा तो डिड भी हो सकता है, तो ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की और कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम सेंटेंस लिख लेते हैं कि क्या रमेश के घर जाने के बाद वह आ चुका था। ठीक है, क्या रमेश के घर जाने के बाद वह आ चुका था। अब देखिए, क्या रमेश के घर जाने के बाद वह आ चुका था, तो क्या वर्ड आपको दिख रहा है। ठीक है, अब क्या हमें देखना है कि सबसे पहला कार्य कौन सा समाप्त हुआ है। तो क्या रमेश के घर जाने के बाद वह आ चुका था। अब देखिए, यहाँ रमेश घर चला गया, उसके बाद वह आया। ठीक है, यानी पहला कार्य ये हुआ है, तो इसे हम किस में बनाएंगे, किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, इसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और इसे किसमें बनाएंगे, इसे पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। बार बार बतला रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट और इसे पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसे पास्ट इंडेफिनिट में हम बना लेते हैं। जब हम इसे पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं तो क्या है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, डिड। ठीक है, डिड, अब वह किस पर लिंक आ जाएगी, ही, डिड ही कम आफ्टर, डिड ही कम, क्या वह आ चुका था, के बाद। अब आफ्टर के बाद क्या लिखेंगे, रमेश हैड गॉन टू होम, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क। कह रहा क्या वह आ चुका था रमेश के घर जाने के बाद, तो वही सेंटेंस हो गया कि क्या रमेश के घर जाने के बाद वह आ चुका था। समझ में आया होगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लेकर आपको हम समझा देते हैं क्या, कि सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्या तुम्हारे अस्पताल पहुंचने से पहले, क्या तुम्हारे अस्पताल पहुंचने से पहले डॉक्टर जा चुके थे। ठीक है, क्या तुम्हारे अस्पताल पहुंचने से पहले डॉक्टर जा चुके थे। ठीक, अब देखो यहाँ पर पहुंचे नहीं हो, यहाँ पर डॉक्टर चले गए, तो इसे हम किसमें बना देंगे, अब हम इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और इसे किसमें बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर पहले रहेगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक, बाद रहेगा तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब पहले तो डॉक्टर है, तो डॉक्टर जा चुके हैं, तो पास्ट परफेक्ट बनाना है, क्या से प्रारंभ, तो हम क्या बना देंगे, हैड। ठीक, फिर सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर, तो हैड द डॉक्टर जाना क्या होता है, गॉन बिफोर, हैड द डॉक्टर गॉन, पहले क्या हो गया, बिफोर, अब तुम्हारे अस्पताल पहुंचने से पहले। ठीक है, तो तुम्हारे क्या हो गया, यू, तुम्हारे क्या हो गया, यू। ठीक, अब ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो रीच्ड टू हॉस्पिटल, लास्ट में क्या लगा देंगे हम, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है सबको, इसी तरह लिख लेंगे कि क्या मीरा, ठीक है, क्या मीरा के गाना गाने के बाद, क्या मीरा के गाने के बाद लोग चले गए थे, देखिए कैसे प्रारंभ है, अब यहाँ पर बाद है, जब बाद रहता है तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और इसे किस में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक है, जब उसे पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे और क्या से प्रारंभ है, तो हमारा डिड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, डिड, तो डिड हो गया, और लोग का क्या होगा, पीपल, डिड द पीपल गो, देखिए यहाँ पर हम गॉन नहीं करेंगे, क्योंकि पास्ट इन्फिनिट में इंट्रोगेटिव में हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, तो डिड द पीपल गो आफ्टर मीरा हैड सिंग सैंग संग अ सॉन्ग, देखिए थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग हो जाएगा।
सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? संग। तो डिड द पीपुल गो आफ्टर मीरा हैड संग अ सॉन्ग। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, मैं बार बार कहता हूँ कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। और जैसे आप घर पर अगर आपके पास कोई ग्रामर की बुक है, यदि आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ट्रांसलेशन आप नहीं कर पाते हैं, तो उन सब ट्रांसलेशन को आप एक कॉपी पर नोट कर लीजिए और उसका फ़ोटो खींचकर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। ऐसा कर दीजिए तो जब मैं पूरा टेंस समाप्त हो जाएगा तो मैं प्रैक्टिस सेशन जब चलाऊँगा तो उन सब क्वेश्चन को वहाँ पर मैं सॉल्व करा दूँगा, ठीक है। और ये वीडियो बच्चों में शेयर करते रहिए ताकि उनको भी लाभ मिलता रहे, ठीक है। तो ये रहा हमारा पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव। अब देखिए सेकेंड इंट्रोगेटिव यानी जब बीच में आएगा तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इतना हम यहाँ पर मिटा देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन करके दिखलाते हैं। सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके लिखकर भेजिए, ठीक है। कमेंट करिए, ओके ओके सर, हाँ सर समझ में आ रहा है सर, कुछ भी लिखिए, ठीक है। कुछ भी लिखकर हमें एक बार बता दीजिए कि हाँ आप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। बोर नहीं हो रहे हैं? नहीं, बोर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक जो टेंस है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे उसमें टेंस अवश्य पूछता है, ट्रांसलेशन का रोल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो हम इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट में बस ऐसे ही करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि अध्यापक के आने के बाद, अध्यापक के आने के बाद विद्यार्थी क्यों चले गए थे, ठीक है। आपको सेंटेंस दिख रहा है कि अध्यापक के आने के बाद विद्यार्थी क्यों चले गए थे, अध्यापक के आने के बाद विद्यार्थी क्यों चले गए थे, ठीक है। तो अध्यापक क्या होगा? अब देखिए बाद है तो सबसे पहले सेंटेंस, यानी अध्यापक के आने के बाद, यानी अध्यापक जब आ गए थे तब विद्यार्थी वहाँ से चले गए, यानी पहला कार्य क्या है? ये है। जब भी पहला कार्य हमारा पास्ट परफेक्ट में जाएगा और ये किस में चला जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। तो हमें तो सबसे पहले इसी को बनाना है। और क्यों क्यों है? तो क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले हम लिख देंगे वाई, ठीक है, वाई लिख दिया। अब सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। तो वाई डिड विद्यार्थी स्टूडेंट, वाई डिड द लगा लीजिए, अच्छा लगेगा, ठीक है। वाई डिड द स्टूडेंट्स गो, देखिए इसमें वेंट नहीं करेंगे और गॉन भी नहीं करेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लगता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो वाई डिड द स्टूडेंट्स गो आफ्टर, आफ्टर अध्यापक क्या होता है? द टीचर, अब ये परफेक्ट बनेगा तो हैड हो जाएगा, ठीक है। आने के बाद तो कम केम, कम सी ओ एम ई थर्ड फॉर्म भी होता है, कम केम कम, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेरे, इसी तरह मैं एक आपको और बता देता हूँ कि मेरे सोने से पहले तुम यहाँ क्यों नहीं आए थे, मेरे सोने से पहले तुम यहाँ क्यों नहीं आए थे। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपको दिख रहा है कि मेरे सोने से पहले तुम यहाँ क्यों नहीं आए थे। अब देखो तुम यहाँ क्यों नहीं आए थे, अब पहले वर्ड है तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट में चला गया और ये किस में बन जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, ठीक है। तो क्यों है? तो क्यों किस में बनाएंगे? वाई। अब देखो पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो हम क्या बना लेंगे? हैड, वाई हैड। तुम है तो क्या जाएगा? यू। अब निगेटिव है तो हम लोग लिख देंगे नॉट, वाई हैड यू नॉट कम केम कम, तो कम हो जाएगा और यहाँ पर हियर, वाई हैड यू नॉट कम हियर बिफोर मेरे क्या होगा? आई स्लेप्ट, अरे वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? स्लेप्ट होगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वाई हैड यू नॉट कम हियर, तुम यहाँ क्यों नहीं आए थे बिफोर मेरे सोने से पहले, ठीक है। समझ में आ गया सबको?
बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो कार्य भूतकाल में सबसे पहले समाप्त हो गया है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, उसके बाद जो कार्य समाप्त हुआ है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए एक एग्जांपल मैं आपको और करके दिखा देता हूँ। क्या कि बच्चे, ठीक है, क्या बच्चे के रोने के बाद, बच्चे के रोने के बाद माँ ने उसे दूध कब दिया था? ठीक है, बच्चे के रोने के बाद जब बच्चा रो लिया, ठीक है, फिर माँ ने उसे दूध कब दिया था? देखिए बाद वर्ड आ गया, यानी रोने के बाद ये रो चुका है, ठीक है, यानी सबसे पहले ये हुआ तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट में, और ये किसमें बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट बनेगा तो हमारा कब दिख रहा है, तो कब की स्पेलिंग क्या होती है, वेन, ठीक है, कब की स्पेलिंग क्या होती है, वेन। और पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, डिड। तो वेन डिड द मदर गिव मिल्क, ठीक है, उसे का टू हिम, क्या हो गया, वेन डिड द मदर गिव मिल्क टू हिम। अब बाद का क्या हो जाएगा, आफ्टर, बच्चे के रोने के बाद, ठीक है, तो बच्चे का क्या हो जाएगा, द चाइल्ड, बच्चे का चिल्ड्रेन, ठीक है, यहाँ एक बच्चा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाइल्ड, द चाइल्ड हैड वेप्ड, हैड वेप्ड क्वेश्चन मार्क, ठीक है, दिख रहा, ठीक है। तो वेन डिड द मदर गिव मिल्क टू हिम, कराए कि माँ ने उसे दूध कब दिया, आफ्टर द चाइल्ड हैड वेप्ड, यानी बच्चे के रोने के बाद, ठीक है। आई होप आपको पास्ट परफेक्ट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो पास्ट, ये रहा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसी कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत सरल है, जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था, सेम वैसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी पढ़ेंगे। तो उसमें केवल हम एग्जाम्पल करके आपको समझा देंगे, ठीक है। देखिए हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, जिस वाक्य के अंत में रहा था, यानी कॉन्टिन्यूअस था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस था, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, कि अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तो होगा, लेकिन उसमें समय का भी बोध होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहचान लिखेंगे नहीं, आप समझ जाइए कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं तथा उसमें समय का बोध होता है, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है साधारण वाक्य, ठीक है। तो देखिए साधारण वाक्य अब हमको देखना है, तो साधारण वाक्य का हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड बीन, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ेंगे, आई एन जी, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे, प्लस सिंस या फॉर, प्लस क्या लगा देंगे हम, टाइम लगा देंगे, ठीक है। सिंस या फॉर प्लस क्या लगा देंगे, टाइम लगा देंगे, यानी सब्जेक्ट हैड बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देखिए हम सिंस कब लगाते हैं, फॉर कब लगाते हैं, तो मैंने इसके पहले वीडियो में यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया है कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं कि फॉर। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं, यानी निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाते हैं, ठीक है, और अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। अब देखिए कि ये जो सिंस है वह मैं बताया था आपको कि डेट ऑफ बर्थ पर डिनोट करता है, किस पर डिनोट करेगा, डेट ऑफ
बर्थ यानी DOB डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में जितनी भी संख्याएं आती हैं, ठीक है, जैसे किसी का बर्थडे मैंने बताया था कि यदि 6/5/94 है तो 6 समय एक दिन को दिखला रहा है, एक तारीख को दिखला रहा है, मंथ को दिखला रहा है और वर्ष को दिखला रहा है। अब उसमें एक समय को दिखलाएगा, टाइम को दिखलाएगा, ठीक है, और वो सिचुएशन को दिखलाएगा, सप्ताह को दिखाएगा किस सप्ताह में किस दिन हुआ था, ठीक है, और सुबह शाम दोपहर इस सिचुएशन को भी वह दिखलाएगा। तो ऐसी सिचुएशन हम क्या बोलते हैं, उसे सिंस लगाते हैं, यानी वह निश्चित समय होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू आइए हम इसे अच्छे से और समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्या कि राम 2 घंटे से, राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था, राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था, ठीक है। तो राम का क्या हो जाएगा, राम देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, हैड बीन। तो राम हैड बीन देखना क्या होता है, वाच अवसम क्या जोड़ देंगे, वाचिंग क्या देख रहा है, टीवी, ठीक है। राम हैड बीन वाचिंग टीवी। अब देखिए फॉर, अब यहाँ पर हम फॉर लगा दे 2 घंटा। अब देखिए कौन से 2 घंटे, अब किसी को पता नहीं कि कौन से 2 घंटे, ये निश्चित समय नहीं है, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, यानी अनिश्चित समय है। तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, फॉर 2 आवर्स। इसी में हम एक और एग्जाम्पल अगर आपको समझा देते हैं क्या, कि जैकब, जैकब क्या है, ये नाम है, ठीक है, किसी का नाम है, कि जैकब वर्ष 1997 से इस मकान में रह रहा था। जैकब वर्ष 1997 से इस मकान में रह रहा था, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जैकब, ठीक है, जैकब हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे हम, हैड बीन। अब देखिए सिंगुलर या प्लूरल दोनों के लिए हमें क्या लगता है, यहाँ पर हैड बीन, तो जैकब हैड बीन लिव में आएंगे जोड़ देंगे, लिविंग इन दिस हाउस, ठीक है। अब देखिए निश्चित समय है, वर्ष 1997 एक लिखित है, निश्चित समय है, तो हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, सिंस 1997, ठीक है, सिंस 1997, ठीक है। एक सेकेंड एग्जाम्पल लेकर समझा देते हैं क्या, कि निशा प्रातः 11 बजे, निशा प्रातः 11 बजे से उसका वेट या इंतजार कर रही थी, ठीक है, निशा प्रातः 11 बजे से उसका इंतजार कर रही थी, ठीक। तो निशा का हम लोग क्या लिखेंगे, निशा, अब ये क्या लिखेंगे, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, निशा हैड बीन, इंतजार करना क्या होता है, वेट में हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, निशा हैड बीन वेटिंग। अब देखिए उसका, तो फॉर हिम, ठीक है, निशा हैड बीन वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतजार कर रही थी, सिंस कब से, 11 बजे से, सिंस 11 o'clock, सिंस 11 o'clock। अब देखिए कब, 11 o'clock कब लिखा है, प्रातः, तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है, निशा हैड बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 11 o'clock इन द मॉर्निंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेकर आपको हम समझा देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि वह 2 महीने से कविता लिख रहा था, वह 2 महीने से कविता लिख रहा था, तो वह किस स्पेलिंग की हो जाएगी, ही, वह किस स्पेलिंग की हो जाएगी, ही हैड बीन, ही हैड बीन वर्ब क्या है, लिखना, तो लिखना क्या हो जाएगा, राइट, हम इसमें क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, राइटिंग अ पोयम, कि ही हैड बीन राइटिंग अ पोयम। अब देखिए 2 महीना, कौन से 2 महीना नहीं पता है, तो यह अनिश्चित है, क्या हो जाएगा, फॉर 2 मंथ्स, ठीक है, फॉर 2 मंथ्स। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है।
तो इसको हम यहाँ पर इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस सेम टू सेम रहेगा, बस हैड और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। मैं आपको बता दूं कि यदि दो हेल्पिंग वर्ब होता है तो नॉट का प्रयोग हम बीच में करते हैं, ठीक है। नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं, बीच में करते हैं। तो जैसे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले नेगेटिव बना लेते हैं, हेडिंग नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू इसको भी समझ लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू क्या करते हैं इसे समझ लेते हैं, ठीक है। क्या कि लड़के दो घंटे से, लड़के दो घंटे से शोर नहीं मचा रहे थे, लड़के दो घंटे से शोर नहीं मचा रहे थे, ठीक है। तो लड़के क्या होता है, द बॉयज। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड, अब नहीं है तो हमने क्या लगा देंगे, नॉट बीन, द बॉयज हैड नॉट बीन। अब देखिए शोर मचाना क्या होता है, मेक अ नॉइज, तो हम आई एन जी जोड़ेंगे, आई एन जी जोड़ना है हमको, तो मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। अब देखिए कौन से दो घंटे, किसी को क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन से दो घंटे, तो मेकिंग अ नॉइज फॉर टू आवर्स, मेकिंग अ नॉइज फॉर टू आवर्स, यानी दो घंटे से, ठीक है। सेकेंड ले लेंगे क्या, कि वह सुबह से नहीं रो रही है, या वह सुबह से नहीं रो रही है, सॉरी थी, ठीक है, वह सुबह से नहीं रो रही थी। तो वह क्या हो जाएगा, सी हैड नॉट बीन, रोना क्या होता है, वीप में हम क्या करेंगे, आई एन जी जोड़ देंगे, सी हैड नॉट बीन वीपिंग। अब देखिए सुबह से ये निश्चित समय है, क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सी हैड नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक। एग्जाम्पल के मैं एक और बता देता हूँ, कि तुम सन 2011 से वाराणसी शहर में रह रहे थे, तुम सन 2011 से वाराणसी, बस वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में नहीं रह रहे थे, वाराणसी में नहीं रह रहे थे, ठीक है। तो तुम का क्या हो जाएगा, यू, अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड नॉट बीन, ठीक है, यू हैड नॉट बीन, रहना क्या होता है, लिव, आपको पता है, तो लिव में हम आई एन जी जोड़ने के लास्ट का ई हटा देंगे, तो यू हैड नॉट बीन लिविंग इन द वाराणसी, ठीक है, इन द वाराणसी, अब कब से, 2011 से, तो क्या है हमारा ये, अरे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि निश्चित समय है, तो सिंस 2011, ठीक है। ये रहा हमारा नेगेटिव सेंटेंस, आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए जैसे कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चल रहा था, सेम उसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वही तीन पार्ट होता है, तो मैं उसे सिंपल में आपको बता दूंगा। यहाँ पर हम हेडिंग बना लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो यहाँ पर हेड जो है पहले आ जाएगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो उसके बाद नॉट हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव नहीं है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है, तो हैड हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, बीन हो जाएगा, नॉट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। क्या तुम्हारी माँ, क्या तुम्हारी माँ सुबह से
सुबह से कपड़े धो रही थी? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारी माँ सुबह से कपड़े धो रही थी? जब क्या से प्रारंभ है, जब क्या से प्रारंभ होता है तो उसकी उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, तो हम लिखेंगे हैड योर मदर, सब्जेक्ट लिख लिया, ठीक है। अब बीन, देखिए इसमें नहीं नहीं है तो यहाँ पर क्या नॉट नहीं लगाएंगे, तो हैड योर मदर बीन, अब धोना क्या होता है, वाश, इसमें मैंजी जोड़ देंगे कि हैड योर मदर बीन वाशिंग क्लोथ्स, वाशिंग द क्लोथ्स, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, देखिए सुबह से निश्चित समय है तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब इसी तरह एक सेंटेंस कर लेंगे, क्या कि क्या तुम अपने मित्रों, क्या तुम अपने मित्रों के साथ, क्या तुम अपने मित्रों के साथ 12 बजे से खेल रहे थे, क्या तुम अपने मित्रों के साथ 12 बजे से खेल रहे थे, ठीक है। तो अब देखिए क्या से प्रारंभ है तो हम क्या करेंगे, हैड यू बीन, खेलना क्या होता है प्ले, तो मैं उसमें क्या करेंगे आईएनजी जोड़ देंगे, हैड यू बीन प्लेइंग विथ, देखिए के साथ क्या होता है विथ, अब अपना, तुम के लिए अपना क्या हो जाएगा, योर फ्रेंड्स, विथ योर फ्रेंड्स। अब देखिए 12 बजे, जो 12 बजे वो भी एक निश्चित समय है, तो सिंस 12 o'clock, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए जब बीच में रहता है तो हम उसे कैसे करते हैं, ठीक, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं विद्यार्थी दो वर्ष से या दो साल से कठिन परिश्रम क्यों नहीं, कठिन परिश्रम क्यों नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए बीच में क्यों वर्ड आ गया है, तो जब बीच में क्यों वर्ड आ गया तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे वाई, अब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाई हैड विद्यार्थी का द स्टूडेंट, वाई हैड द स्टूडेंट्स, अब देखिए नहीं है तो नॉट लगा देंगे, अब इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, बीन, ठीक है। देखिए वाई हो गया, फिर हैड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, बीन हो गया, बीन वर्ग के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, ठीक है। कठिन परिश्रम करना तो हार्ड वर्किंग, ठीक है, हार्ड वर्किंग या वर्किंग हार्ड भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर हार्ड वर्किंग करेंगे, हार्ड वर्किंग। वाई हैड द स्टूडेंट नॉट बीन हार्ड वर्किंग, देखिए दो साल से, कौन से दो साल से भी क्लियर नहीं है, तो फॉर टू ईयर्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कौन से दो साल से, क्या क्लियर हो रहा था, नहीं, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, फॉर टू ईयर्स, ठीक। इसी तरह एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, क्या कि क्या वह एक घंटे से फूल नहीं तोड़ रही थी, क्या वह एक घंटे से फूल नहीं तोड़ रही थी, तो क्या से प्रारंभ है तो हम करेंगे हैड, अब देखिए थी, ठीक है, फीमेल है तो सी हो जाएगा, हैड सी, अब नॉट है, नहीं है तो नॉट लगाएंगे, बीन लगाएंगे, तोड़ना क्या होता है प्लक, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे प्लकिंग, ठीक है, फूल तोड़ने के लिए प्लक, और कुछ तोड़ने के लिए शीशा उसा तो ब्रेक, तो हैड सी नॉट बीन प्लकिंग, ठीक है, प्लकिंग द फ्लावर्स, प्लकिंग द फ्लावर्स, देखिए एक घंटे से, कौन सा एक घंटा यहाँ पर क्लियर नहीं, फॉर एन आवर, अपना ध्यान रखिएगा, यदि एक घंटा रहेगा तो आप वन आवर नहीं करेंगे, आप एन आवर ही लिखेंगे, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया कि एन आवर, अब ये क्या है, एच से प्रारंभ लेकिन मैंने एन लिखा, तो इसे हम पढ़ते हैं आवर, आवर, ठीक है। अभी क्या है, स्वर हो गया, तो स्वर से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, ए एन, एन का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको ये टेंस समझ में आया होगा, ठीक है। आज हम लोगों ने डिस्कस किया पास्ट
परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि इसी तरह आप केमिस्ट्री की भी क्लास करना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप केमिस्ट्री भी वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यदि कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस, ठीक है। अगली वीडियो हम लोग बात करेंगे फ्यूचर टेंस, तो हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर टेंस का भी दो पार्ट बनाएं और उसको जल्दी से समाप्त करके हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।